हेलो दोस्तों, मैं धीरेन स्वागत करता हूं आपका एग्जाम स्टडी विद संगीता में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे सुपर फास्ट रिवीजन के जरिए ऐप व पोर्टल से टॉप 105 वन लाइनर क्वेश्चन का एक क्विक रिवीजन सेट। जनवरी से नवंबर 2020 के बीच में जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, हम सारे ही इस टॉपिक से कवर करेंगे। दोस्तों, ये वीडियो आपके आने वाली प्रतियोगिता परीक्षा के साथ साथ आरआरबी एनटीपीसी और ग्रुप डी के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट साबित होगा। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे, हेल्पफुल लगे, तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। और यदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, जिससे कि आपको मेरे आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम पर मिलता रहे। तो चलिए दोस्तों, हम अपनी क्लास शुरू करते हैं। किसने अपनी पहली डिजिटल ऐप आनंद को लॉन्च किया? राइट आंसर है दोस्तों LIC। याद रखिएगा, भारतीय जीवन बीमा निगम ने जीवन बीमा पॉलिसी करने के लिए अपने एजेंटों के लिए इस ऐप को लॉन्च किया है। आनंद, दोस्तों इसका फुल फॉर्म इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा, आनंद का फुल फॉर्म है आत्मनिर्भर एजेंट्स न्यू बिजनेस डिजिटल एप्लीकेशन। किसने उमंग ऐप के अंतर्राष्ट्रीय वर्जन को लॉन्च किया? राइट आंसर है वर्तमान केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद ने। उमंग, दोस्तों याद रखिएगा, इसका फुल फॉर्म यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस। किसने ट्रांसजेंडरों के लिए राष्ट्रीय पोर्टल को लॉन्च किया? सही आंसर है वर्तमान केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं आधिकारिकता मंत्री थावर चंद गहलोत ने। यह पोर्टल देश में कहीं से भी एक ट्रांसजेंडर व्यक्ति को प्रमाण पत्र, पहचान पत्र के लिए डिजिटल रूप से आवेदन करने में मदद करेगा। किस राज्य ने अभयम ऐप को लॉन्च किया? राइट आंसर है दोस्तों आंध्र प्रदेश। ये ऐप कैब एवं ऑटो में सफर करने वाली महिलाओं एवं बच्चों की सुरक्षा के लिए है। किसने क्लाइमेट चेंज नॉलेज पोर्टल को लॉन्च किया? सही आंसर है वर्तमान पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने। यह एकल बिंदु सूचना संसाधन होगा जो विभिन्न जलवायु पहलों के बारे में जानकारी प्रदान करेगा। किस राज्य ने धरणी पोर्टल को लॉन्च किया? राइट आंसर है तेलंगाना। ये पोर्टल भूमि एवं संपत्ति के पंजीकरण के लिए है। किस राज्य ने सुमंगल और छात्रवृत्ति वेब पोर्टल को लॉन्च किया? दोस्तों ये दो पोर्टल हैं और इसका आंसर है ओडिशा। छात्रवृत्ति पोर्टल से छात्रवृत्ति सीधे छात्रों के बैंक खाते में जमा होगी और सुमंगल पोर्टल के तहत अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति विभाग, उच्च शिक्षा, कौशल विकास एवं कृषि विभाग के पेशेवर कार्यक्रमों को पोर्टल पर जानकारी उपलब्ध कराई जाएगी। किस राज्य ने सेचा समाधान मोबाइल ऐप को लॉन्च किया? राइट आंसर है ओडिशा। दोस्तों यह किसानों के सामने आने वाली सिंचाई समस्याओं को दूर करेगा और इसे ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने लॉन्च किया। किस राज्य ने मो विद्युत पोर्टल को लॉन्च किया? राइट आंसर है ओडिशा। ये पोर्टल नए बिजली कनेक्शन प्राप्त करने में लोगों की सहायता करेगा, साथ ही ऑनलाइन बिल भुगतान एवं बिजली से संबंधित शिकायतों को ऑनलाइन माध्यम से सक्षम बनाएगा। किसने ई धरती जियो पोर्टल को लॉन्च किया? सही आंसर है वर्तमान केंद्रीय आवास एवं शहरी मामलों के मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने। यह प्रबंधन सूचना प्रणाली में नक्शे एवं पट्टे की योजनाओं जैसे विरासत चित्र को एकीकृत करेगा एवं इसे भौगोलिक सूचना प्रणाली में सक्षम बनाएगा। किसने ई वाहन सब्सिडी के लिए वेब पोर्टल लॉन्च किया? सही आंसर है दोस्तों दिल्ली। ये पोर्टल एक परेशानी मुक्त प्रक्रिया सुनिश्चित करेगा एवं खरीदारों को 3 दिन के भीतर सब्सिडी प्राप्त होगी। किस संगठन ने वैक्सीन वेब पोर्टल को लॉन्च किया? राइट आंसर है ICMR, यानी कि इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। दोस्तों इसे हमारे वर्तमान स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह ने लॉन्च किया है। किस राज्य की सरकार ने कृतिकता पोर्टल को लॉन्च किया? राइट आंसर है असम। इसके द्वारा मोबाइल पर ही पेंशन संबंधित सारी जानकारी प्राप्त हो सकती है, ये इसका उद्देश्य है। किसने फ्रंट बिजनेस डेवलपमेंट पोर्टल को लॉन्च किया? राइट आंसर है भारतीय रेलवे। भारतीय रेलवे द्वारा अपने माल ग्राहक के लिए इसे विकसित किया गया है। किसने अपना खुद का मिनी स्टोर ऐप लॉन्च किया? आंसर है पेटीएम। इसमें ओला रैपिड, नेटमेट्स,
डोमिनोज पिज्जा सहित 300 से अधिक ऐप स्टोर में शामिल हैं। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने किसान रथ मोबाइल ऐप को लॉन्च किया? दोस्तों याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और इसमें कुछ डिस्क्रिप्शन भी इम्पोर्टेंट है, तो ध्यान से सुनिएगा। इसका आंसर है असम। दोस्तों असम के मुख्यमंत्री सर्वानंद सोनोवाल ने किसान रथ मोबाइल ऐप को लॉन्च किया। यह कार्यक्रम में क्रेता विक्रेता नेटवर्क को बढ़ावा देकर कृषि उत्पाद की समय पर बिक्री की सुविधा प्रदान करेगा। और साथ ही आपको याद रखना है, कुछ समय पहले किसान रथ मोबाइल ऐप को केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर द्वारा भी लॉन्च किया जा चुका है। लेकिन ये इस क्वेश्चन में आपसे कह रहा है कि किस राज्य के मुख्यमंत्री ने, तो इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा असम। किस राज्य सरकार ने ई पी पहानी मोबाइल ऐप लॉन्च की? आंसर है महाराष्ट्र। ये ऐप किसानों को अपनी उपज का सही मूल्य एवं अच्छा बाजार दिलाने में मदद करेगा। किस राज्य ने यू राइज पोर्टल को लॉन्च किया? राइट आंसर है उत्तर प्रदेश। छात्रों को सिखाने, कैरियर काउंसलिंग और राज्य में रोजगार प्राप्त करने के उद्देश्य से इसे लॉन्च किया गया। किस आईआईटी के छात्रों ने एयर स्कैनर ऐप को लॉन्च किया? आंसर है दोस्तों आईआईटी बॉम्बे। किस राज्य सरकार ने अमा शहर मोबाइल ऐप को लॉन्च किया? सही आंसर है ओडिशा। किसने पेंशनर कॉर्नर मोबाइल ऐप को लॉन्च किया? राइट आंसर है CISF यानी कि सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स। इसके द्वारा पेंशनर को सारी जानकारी प्राप्त हो सकेगी। जम्मू कश्मीर सरकार ने किस उत्पाद के लिए ई नीलामी पोर्टल लॉन्च किया? राइट आंसर है केसर। किस राज्य ने आई रखवाली ऐप को लॉन्च किया है? सही आंसर है पंजाब। हरियाली बनाए रखने एवं पर्यावरण संरक्षण के लिए इसे लॉन्च किया गया है। किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश ने स्पैरो पोर्टल को लॉन्च किया? राइट आंसर है दोस्तों इसका जम्मू कश्मीर। ये जम्मू कश्मीर के प्रशासनिक सेवा अधिकारियों के लिए है। किसने पे भीमा पोर्टल को लॉन्च किया? सही आंसर है दोस्तों पे बीमा पोर्टल को लॉन्च किया है महिंद्रा फाइनेंस ने। ये ग्राहक को ऑनलाइन बीमा पॉलिसी खरीदने में सीधे मदद करेगा। किसने इंग्लिश प्रो मोबाइल ऐप को लॉन्च किया? राइट आंसर है हमारे वर्तमान शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने। किस राज्य ने तीन क्षेत्रीय भाषाओं के लिए शब्दकोश ऐप लॉन्च की? राइट आंसर है दोस्तों उत्तराखंड। याद रखिएगा, इसे कर्नल डीपी ढीमरी जो कि सेवा निर्मित है उनके सहयोगियों द्वारा विकसित किया गया है, जो उत्तराखंड के विभिन्न हिस्सों में बोली जाने वाली बाली तीन क्षेत्रीय भाषाओं के लिए एक शब्दकोश है। किसने भारत में कोरमू ऐप को लॉन्च किया? राइट आंसर है दोस्तों गूगल। यह ऐप लाखों भारतीयों को शुरुआती स्तर की नौकरियां प्राप्त करने में मदद करेगा। किसने हरित पथ नामक मोबाइल ऐप विकसित की? राइट आंसर है नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ये ऐप राष्ट्रीय राजमार्गों पर वृक्षारोपण की निगरानी के लिए है। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने NRI एकीकृत पोर्टल को लॉन्च किया? आंसर है उत्तर प्रदेश। ये पोर्टल उत्तर प्रदेश में निवेश को बढ़ावा देगा और विदेश जाने वाले लोगों की मदद के लिए इसे लॉन्च किया गया है। किसने डिजिटल सेवाओं के लिए सुपर ऐप लॉन्च की? राइट आंसर है टाटा समूह। किस स्टील कंपनी ने फेरो हार्ट नामक मोबाइल ऐप को लॉन्च किया? सही आंसर है टाटा स्टील। NCC कैडेटों के लिए DGNCC नामक मोबाइल ऐप किसने लॉन्च की? सही आंसर है वर्तमान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने। ये ऐप NCC कैडेटों को ऑनलाइन प्रशिक्षण में सहायता करता है। किस राज्य सरकार ने अग्निशम सेवा ऑनलाइन पोर्टल को लॉन्च किया? राइट आंसर है दोस्तों ओडिशा। याद रखिएगा, इसमें जितनी भी बड़ी बड़ी बिल्डिंग होती हैं उनको एक फायर प्रूफ का प्रमाण पत्र दिया जाता है और अब इसी को ओडिशा सरकार ने ऑनलाइन देने के लिए पोर्टल लॉन्च किया है। किसने OHE निगरानी ऐप को लॉन्च किया है? राइट आंसर है दोस्तों भारतीय रेलवे, जो तकनीकी खामियों और खराबियों के कारण ट्रेन की देरी होती है उनमें मदद के लिए है ये निगरानी ऐप। किस राज्य सरकार ने किसानों के लिए कैश्यू इंडिया ऐप लॉन्च किया? राइट आंसर है कर्नाटक। ये ऐप किसानों सहित हितधारकों के लिए फसल की खेती, बाजार आंकड़ों एवं अनुसंधान से संबंधित जानकारी प्रदान करेगा।
मानव हाथी टकराव पर राष्ट्रीय पोर्टल जिसका नाम है सुरक्षा का शुभारंभ किसने किया? राइट आंसर है हमारे वर्तमान पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने। किसने नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन ऑनलाइन डैशबोर्ड को लॉन्च किया है? सही आंसर है हमारी वर्तमान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने। अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों के लिए ऑनलाइन एयर सुविधा पोर्टल किसने विकसित की? राइट आंसर है दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड ने। किसने सृजन पोर्टल को लॉन्च किया? राइट आंसर है वर्तमान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने, जो कि वन स्टॉप शॉप ऑनलाइन पोर्टल है जो विक्रेताओं को स्वदेशीकरण के लिए सामान लेने की सुविधा प्रदान करता है। किस मंत्रालय ने स्वास्थ्य पोर्टल को लॉन्च किया? आंसर है जनजातीय मंत्रालय। जनजातियों के स्वास्थ्य एवं पोषण के लिए है ये पोर्टल जिसका नाम है स्वास्थ्य पोर्टल। किस पेमेंट ऐप ने भारत का पहला नंबरलेस कार्ड लॉन्च करने की घोषणा की? राइट आंसर है फेम पे। जिस तरह फोन पे है, गूगल पे है, पेटीएम पे है, उसी तरह से है फेम पे। किसने प्रवासी रोजगार ऐप को लॉन्च किया? राइट आंसर है भारतीय अभिनेता सोनू सूद। रोजगार के अवसर प्रदान करने के उद्देश्य से इसे लॉन्च किया गया। स्ट्रीट वेंडरों के लिए कौन सा मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया? सही आंसर है आत्मनिर्भर निधि, आप इसे पीएम स्वनिधि भी कह सकते हैं। किस राज्य सरकार ने नौकरी चाहने वालों के लिए वेबसाइट को लॉन्च किया? राइट आंसर है दिल्ली। दिल्ली सरकार द्वारा रोजगार बाजार पोर्टल के नाम से इसे लॉन्च किया गया। मौसम की पूर्व अनुमान के लिए मौसम ऐप किसने लॉन्च की? राइट आंसर इसका वर्तमान केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह ने। ये ऐप विभिन्न शहरों एवं स्थानों के मौसम के बारे में पूर्व अनुमान एवं चेतावनी देने के लिए है। किस राज्य सरकार ने स्किल कनेक्ट फोरम नामक एक पोर्टल लॉन्च की? राइट आंसर है कर्नाटक। ये पोर्टल बेरोजगार युवाओं के लिए रोजगार के अवसर प्रदान करने हेतु है। किसने एथलीटों के लिए नाडा ऐप लॉन्च किया? राइट आंसर है वर्तमान खेल मंत्री किरण रिजिजू। दोस्तों नाडा इसका फुल फॉर्म है नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी, स्थापना 2005। किस बैंक ने किसानों के लिए ई किसान धन ऐप को लॉन्च किया? आंसर है HDFC बैंक। इसके द्वारा किसान बैंकिंग और कृषि दोनों सेवाओं का उपयोग करने में सक्षम होंगे। किस राज्य सरकार ने ई लर्निंग पोर्टल LEAD को लॉन्च किया? सही आंसर है दिल्ली। किसने आत्मनिर्भर भारत इनोवेशन ऐप चैलेंज को लॉन्च किया? राइट आंसर है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। मोदी जी ने मेड इन इंडिया ऐप्स बनाने की सुविधा के लिए इस चैलेंज को लॉन्च किया। किस राज्य सरकार ने महारोजगार पोर्टल का शुभारंभ किया? आंसर है इसका महाराष्ट्र। ये पोर्टल कुशल, अर्धकुशल, अकुशल कर्मचारियों को रोजगार के अवसर प्रदान कराएगा। किस राज्य सरकार ने दस्तावेजों को स्कैन करने के लिए सेल्फ स्कैन ऐप को लॉन्च किया? राइट आंसर है पश्चिम बंगाल। किस राज्य सरकार ने किसानों को कृषि संबंधी नवीनतम जानकारी देने के लिए मोबाइल ऐप लॉन्च किया? राइट आंसर है मिजोरम। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, किसने ई ब्लड सर्विस मोबाइल ऐप को लॉन्च किया? आंसर है डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह, यानी कि हमारे वर्तमान स्वास्थ्य मंत्री। दोस्तों इसके जरिए कोई भी व्यक्ति 4 यूनिट ब्लड की डिमांड कर सकता है और ये इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी की ऐप है। किसने R&D पोर्टल सत्यभामा, जिसका फुल फॉर्म यहाँ लिखा हुआ है, इम्पोर्टेंट है, को शुरू किया? राइट आंसर है हमारे वर्तमान केंद्रीय कोयला खान संसदीय मामलों के मंत्री प्रहलाद जोशी ने। किस राज्य ने TS वेदर नामक मोबाइल ऐप को लॉन्च किया? सही आंसर है दोस्तों तेलंगाना। ये ऐप मौसम की स्थिति के बारे में जानकारी प्राप्त करने में सक्षम है। किस राज्य सरकार ने महास्वयं नामक पोर्टल को लॉन्च किया? आंसर है महाराष्ट्र। ये युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए लॉन्च किया गया। किस बैंक ने युवा पे नामक डिजिटल वॉलेट मोबाइल ऐप लॉन्च करने की घोषणा की? राइट आंसर है यस बैंक। इसके द्वारा आप बिजली का बिल, LPG, DTH मोबाइल बिल का भुगतान कर सकेंगे, जैसा कि आप गूगल पे या पेटीएम पर करते हैं। किसने गरीब कल्याण रोजगार अभियान का वेब पोर्टल लॉन्च किया? राइट आंसर है नरेंद्र सिंह तोमर। किसने पर्सनल लोन के लिए नवी लैंडिंग ऐप को लॉन्च किया? सही आंसर है दोस्तों सचिन वंसल।
भारत का पहला राष्ट्रीय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पोर्टल किसने लॉन्च किया? सही आंसर है इसका हमारे वर्तमान इलेक्ट्रॉनिक्स आईटी संचार मंत्री रविशंकर प्रसाद ने। किस राज्य सरकार ने अस्पताल में खाली पड़े बेड यानी कि बिस्तर का पता लगाने के लिए एक ऐप लॉन्च की? राइट आंसर है दिल्ली, और इस ऐप का नाम है कोरोना दिल्ली। कहां सैलरी ट्रैकर मोबाइल ऐप मेरा वेतन लॉन्च किया गया? आंसर है जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर में सरकारी कर्मचारियों के लिए सैलरी ट्रैकर मोबाइल ऐप मेरा वेतन लॉन्च किया गया। किस राज्य सरकार ने राज कौशल पोर्टल का शुभारंभ किया? आंसर है राजस्थान। किसने कोविड 19 के लिए कोविड बीप ऐप को लॉन्च किया? सही आंसर है दोस्तों केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने। ये ऐप रोगियों की सुविधा के लिए किफायती और स्वदेशी है। किसने फ्लाई ZY मोबाइल ऐप विकसित की? आंसर है IIT गुवाहाटी। ये कोविड 19 महामारी के दौरान अनुकूल एवं संपर्क रहित हवाई यात्रा के लिए विकसित किया गया। किस राज्य ने घर घर निगरानी मोबाइल ऐप को लॉन्च किया? आंसर है पंजाब। कोविड 19 के समुदाय प्रसार यानी कि कम्युनिटी ट्रांसफर को रोकने के लिए इसे लॉन्च किया गया। किस राज्य ने IT पेशेवर लोगों के लिए कर्मभूमि नौकरी पोर्टल को लॉन्च किया? सही आंसर है दोस्तों पश्चिम बंगाल। किसने स्वास्थ्य सेवा श्रृंखला पोर्टल आरोग्य पथ को लॉन्च किया? आंसर है दोस्तों CSIR यानी कि काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। कोविड 19 के समय आवश्यक दवाओं एवं आवश्यक वस्तुओं का सही समय पर डिलीवरी देने के लिए इसे लॉन्च किया गया था। किसने नेशनल टेस्ट अभ्यास मोबाइल ऐप को लॉन्च किया? सही आंसर है शिक्षा मंत्रालय। ये ऐप JEE मेंस नीट जैसी परीक्षाओं के उम्मीदवारों को मॉक टेस्ट करने में मदद करता है। किसने कॉलिंग एप्लीकेशन कैचअप को लॉन्च किया? राइट आंसर है फेसबुक। इसमें एक साथ 8 लोगों को जोड़ा जा सकता है यानी कि वीडियो कॉल कर सकते हैं 8 लोगों के साथ। किस राज्य सरकार ने वन स्टॉप वेबसाइट को लॉन्च किया? सही आंसर है दिल्ली। दोस्तों कोविड 19 से जुड़ी जितनी भी पहल है उनके बारे में जानकारी उपलब्ध कराने के लिए वन स्टॉप वेबसाइट को लॉन्च किया है दिल्ली ने, और इसका नाम है dillyfied and corona.in। किस राज्य सरकार ने आयुष कवच कोविड ऐप को लॉन्च किया? सही आंसर है दोस्तों उत्तर प्रदेश। इसे लोगों के स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए जरूरी इम्यूनिटी में सहयोग करने के लिए लॉन्च किया गया। इस ऐप को आयुष मंत्रालय ने विकसित किया था। किसने CHD कोविड ऐप को लॉन्च किया? राइट आंसर है चंडीगढ़। कोविड 19 से संबंधित जानकारी उपलब्ध कराने के लिए इसे लॉन्च किया गया। किस राज्य सरकार ने प्रवासियों के लिए एग्जिट ऐप लॉन्च की? आंसर है पश्चिम बंगाल। लॉकडाउन के दौरान पश्चिम बंगाल में फंसे अन्य राज्यों के लोगों को बाहर निकालने के लिए इस ऐप को लॉन्च किया गया। किसने आयुष संजीवनी ऐप का शुभारंभ किया? राइट आंसर है हमारे वर्तमान केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह ने। किस राज्य सरकार ने प्रवासी राहत मित्र ऐप लॉन्च की? आंसर है दोस्तों उत्तर प्रदेश। सरकारी योजनाओं एवं नौकरियों में प्रवासियों को जोड़ने के लिए इस ऐप को लॉन्च किया गया। किस राज्य सरकार ने बेरोजगार युवाओं की सहायता के लिए होप पोर्टल को लॉन्च किया? आंसर है उत्तराखंड, और इसका फुल फॉर्म याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट रहेगा, हेल्पिंग आउट पीपल एवरीवेयर। किसने MIR AHD कोविड 19 डैशबोर्ड को विकसित किया? सही आंसर है IIT गांधीनगर। किसने राष्ट्रीय प्रवासी सूचना प्रणाली डैशबोर्ड तैयार किया? सही आंसर है NDMA यानी कि नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। प्रवासियों के आंदोलन के बारे में जानकारी हासिल करने एवं राज्यों में फंसे हुए व्यक्तियों को सुचारू आवागमन को सुगम बनाने के लिए इसे लॉन्च किया गया। किस राज्य सरकार ने CMAPP ऐप को लॉन्च किया? आंसर है आंध्र प्रदेश। यह किसानों की कृषि उपज के लिए लागत, खरीद, विपणन सुविधाओं से संबंधित डेटा प्रदर्शित करता है। दृष्टिहीनों के लिए मनी ऐप किसने लॉन्च की? राइट आंसर है दोस्तों भारतीय रिजर्व बैंक ने। याद रखिएगा, दृष्टिहीन लोगों के लिए इसे लॉन्च किया गया ताकि वे इसके इस्तेमाल से मुद्रा नोट की मूल्य की पहचान कर सकें, और इसका फुल फॉर्म इम्पोर्टेंट है, मोबाइल एडिट नोट आइडेंटिफायर।
नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल का शुभारंभ किसने किया? आंसर है वर्तमान गृह मंत्री अमित शाह जी ने, जो कि लोगों को साइबर अपराधों की ऑनलाइन रिपोर्ट में सक्षम बनाता है। किसके द्वारा पीएम किसान मोबाइल ऐप का शुभारंभ किया गया? आंसर है कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर द्वारा। किस राज्य सरकार ने योद्धा मोबाइल ऐप को लॉन्च किया? आंसर है केरल, जो कि ड्रग माफिया से निपटने के लिए लॉन्च किया गया था। दरवाजे तक डीजल पहुंचाने के लिए फ्यूल हमसफर मोबाइल ऐप किसके द्वारा लॉन्च की गई? आंसर है श्रम व रोजगार राज्य मंत्री संतोष गंगवार द्वारा। उद्देश्य आवासीय सोसाइटी, होटल, अस्पतालों, मॉल तक डीजल को पहुंचाना। किस राज्य सरकार द्वारा निगाह ऐप लॉन्च की गई? आंसर है आंध्र प्रदेश। क्यों की गई, कब की गई? तो दोस्तों, निकाय चुनाव के दौरान जब आदर्श चुनाव आचार संहिता कहे, अगर हम इसे कहें तो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लग जाता है, उसके बाद निगरानी रखने के लिए इस ऐप को लॉन्च किया गया था। किस राज्य सरकार ने कोवा नामक मोबाइल ऐप लॉन्च की? आंसर है पंजाब। कोरोना वायरस के बारे में अलर्ट करने के लिए और लक्षणों को समझाने के लिए इसे लॉन्च किया गया। किसने कोविड-19 को ट्रैक करने के लिए एक वेब पोर्टल को लॉन्च किया? आंसर है माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा। दोस्तों, माइक्रोसॉफ्ट और इस वेबसाइट का लिंक है bing.com/covid। किस राज्य सरकार ने आयु एवं सेहत साथी ऐप लॉन्च की? आंसर है राजस्थान। कोविड-19 के कारण लगे लॉकडाउन में राज्यों के लोगों को ऑनलाइन डॉक्टर से परामर्श में सक्षम बनाता है ये ऐप। किसने कोविड इंडिया सेवा पोर्टल को लॉन्च किया? आंसर है स्वास्थ्य मंत्रालय। कोरोना वायरस से संबंधित लोगों के सवालों का जवाब देने के उद्देश्य से इसे लॉन्च किया गया। किसने वॉश करो ऐप लॉन्च की? आंसर है IIIT दिल्ली, यानी कि इंद्रप्रस्थ सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली ने। कोरोना वायरस के बारे में चेतावनी देने के लिए इसे लॉन्च किया गया। किस राज्य सरकार ने संपर्क दीदी मोबाइल ऐप लॉन्च की? आंसर है उत्तराखंड। कोविड-19 लॉकडाउन में छात्रों की शिक्षा में बाधा ना आए, इस उद्देश्य से इसे लॉन्च किया गया। किसने फाइलों के संचालन के लिए ई कार्यालय ऐप को लॉन्च किया? राइट आंसर है CISF, यानी कि सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स। किस राज्य सरकार ने कोरोना वॉच नामक एक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च की? आंसर है कर्नाटक। कोरोना संक्रमित व्यक्तियों की मूवमेंट को ट्रैक करने के लिए इसे बनाया गया था। किस IIT की टीम ने क्वारंटाइन नामक एक मोबाइल ऐप विकसित की? आंसर है IIT बॉम्बे। भारत सरकार द्वारा कोविड-19 ट्रैक करने के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया गया? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा ये। आंसर है आरोग्य सेतु। ये जो ऐप है दोस्तों, ये ऐप भारत का, यानी कि भारत सरकार का एक आधिकारिक ऐप है। किस राज्य की पुलिस ने राजकोप सिटीजनशिप ऐप मोबाइल ऐप को लॉन्च किया? आंसर है राजस्थान। दोस्तों, इसे लॉकडाउन के दौरान ई पास जारी करने के लिए लॉन्च किया गया था। किस राज्य की पुलिस ने होम क्वारंटीन लोगों के लिए रक्षा सर्वे ऐप विकसित किया? सही आंसर है छत्तीसगढ़। किस राज्य सरकार ने कोविड-19 मॉनिटरिंग सिस्टम ऐप विकसित करने की योजना तैयार की? आंसर है तेलंगाना। किस राज्य सरकार ने कोविड-19 से निपटने के लिए कोविड केयर ऐप लॉन्च किया? सही आंसर है अरुणाचल प्रदेश। किस ने वेब पोर्टल युक्ति को लॉन्च किया? सही आंसर है शिक्षा मंत्रालय। दोस्तों, इस वेब पोर्टल को शिक्षा मंत्रालय द्वारा चलाए गए जितने भी प्रयास हैं उन पर निगरानी के लिए लॉन्च किया गया था। और याद रखिएगा, शिक्षा मंत्रालय को पहले मानव संसाधन विकास मंत्रालय के नाम से जाना जाता था। किसने स्थानीय स्टोर्स की जानकारी के लिए नियर बाय स्पॉट को लॉन्च किया? सही आंसर है दोस्तों गूगल। इसमें आप पता कर सकते हैं कि लॉकडाउन के टाइम कौन सा किराना स्टोर खुला था। किस राज्य सरकार ने कोविड-19 पोर्टल का शुभारंभ किया? सही आंसर है आंध्र प्रदेश। किसने किसान रथ मोबाइल ऐप को लॉन्च किया? राइट आंसर है नरेंद्र सिंह तोमर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, याद रखिएगा, नरेंद्र सिंह तोमर हमारे वर्तमान कृषि मंत्री हैं। किस राज्य सरकार ने एसिस करो नामक एक मोबाइल ऐप को लॉन्च किया? राइट आंसर है दिल्ली। दिल्ली सरकार ने सभी अधिकारियों को कोविड-19 हॉटस्पॉट इलाकों में घर घर जाकर सर्वे करने के लिए इसे इस्तेमाल करने की सलाह दी थी। दोस्तों, आज का वीडियो यही एंड होता है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, हेल्पफुल लगा होगा। पूरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में।